नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग की वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स रोज बढ़ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आगे भी हमें इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपाय आपके साथ हर फेस्टिवल के हिसाब से शेयर करें। आज के इस वीडियो में छठ पूजा पर आप क्या गलतियां ना करें जिससे आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिले, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही देवी छठ माता की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और सप्तमी तिथि की सुबह तक चलती है। छठ पूजा के दिन बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। छठ पूजा इस बार 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होकर 3 नवंबर 2019 की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होगी। छठ पूजा का क्या महत्व है, हम छठ पूजा क्यों करते हैं, छठ पूजा में पूजा किस तरह से करनी चाहिए, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारा मोटिव ये रहता है कि कोई भी चीज रिपीट ना की जाए बार बार, इसीलिए वो सब चीजें जो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस करी हुई हैं वो मैं आपके साथ नहीं डिस्कस कर रहा। आज का ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होगा पिछले वीडियो से। छठ पूजा का कैलेंडर अगर मैं आपसे शेयर करूं तो छठ पूजा इस बार शुरू होगी 31 अक्टूबर 2019 को नहाए खाए से, 1 नवंबर 2019 को खरना रहेगा, 2 नवंबर छठ पूजा संध्या अर्घ का दिन रहेगा और 3 नवंबर उषा अर्घ दिया जाएगा सूर्योदय के समय। 2 नवंबर को सूर्यास्त का समय है 5:35 और 3 नवंबर को सूर्योदय का समय है 6:34। छठ पूजा अगर विधि विधान से ना की जाए तो आपकी एक गलती भी छठ माता को अप्रसन्न कर सकती है, इसीलिए इस वीडियो में छठ पूजा करते समय वो जो गलतियां आप कर सकते हैं उनको ना करें, मैं उसके लिए कुछ आपसे चीजें शेयर कर रहा हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो छठ पूजा के दौरान प्याज और लहसुन खाना आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ये तामसिक श्रेणी में आता है, इसलिए इन दिनों में इसका सेवन तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर हो सके तो इसे घर पर भी ना स्टोर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बिना साफ सुथरे कोई भी पूजा की सामग्री ना छुए जाए। जो भी महिलाएं व्रती हो उनको बेड पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना ही उत्तम रहेगा। चौथी चीज, पूजा का प्रसाद बनाते समय खाएं नहीं, इसके साथ नमक और उससे बनी हुई चीजों को ना छुएं, और नमक भी अगर आपको यूज करना है तो सिर्फ सेंधा नमक यूज करेंगे आप। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि छठ का सामान इधर उधर बिखरा देते हैं, छठ पूजा में सफाई का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो छठ पूजा का सामान इधर उधर ना रखें, एक स्थान चुनकर साफ जगह पर रखें। इन दिनों में शराब सिगरेट से दूर रहना चाहिए, नॉन वेज से भी दूरी बिल्कुल बनाकर रखें। एक चीज और ध्यान रखें, छठ पूजा के समय गंदे कपड़े ना पहने, साफ सुथरे होकर ही आप पूजा करें, और अगर आप व्रती हैं तो बिना सूर्य को अर्घ दिए जल या भोजन ग्रहण ना करें। और एक और बहुत विशेष चीज ध्यान रखिए, छठ मैया की मनौती को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जो भी मनौती हो उसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए।
अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छठ का व्रत नहीं रख पाते क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है, तो उनके लिए कुछ दो तीन ऐसे उपाय शेयर कर रहा हूं कि वो अगर ये करते हैं तो उनको भी छठ मैया की और भगवान सूर्य की कृपा जरूर मिलेगी। पहली बात तो छठ पर्व के दौरान चारों दिन पूरी सफाई और सात्विकता बरतें। दूसरी बात, किसी भी छठ व्रतधारी की सेवा और सहायता जरूर करें। आप किसी भी तरह से सहायता करेंगे अगर तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, गुड़ और आटे की विशेष मिठाई जिसे ठेकुआ के नाम से जाना जाता है उसे जरूर बनवाएं या बनाएं, फिर इसे गरीबों में और बच्चों में जरूर बांटें। और छठ के दोनों ही दिन यानी 2 नवंबर को और 3 नवंबर को अर्घ जरूर दें और सूर्य देव से उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना जरूर करें। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हमेशा ये पूछते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कोई उपाय बताया जाए, तो अगर छठ पर्व के दौरान अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और मंत्र करते हैं। मंत्र मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप निरंतर जब भी सूर्य को जल दें तो इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद भी छठ पर्व खत्म होने के बाद भी अगर इसको आप जारी रखते हैं तो आपके सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सरकार से आने वाले किसी भी फायदे को आप ले पाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर जो बड़े हैं आपसे उनका आशीर्वाद लें तो उससे भी आपको फायदा होगा। मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत सिंपल मंत्र है भगवान सूर्य का, ओम घ्रणहि सूर्याय नमः। ये आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। आप जब भी पॉसिबल हो और कम से कम जब आप अर्घ दे रहे हैं, चाहे उदय होते हुए सूर्य को या अस्त होते हुए सूर्य को, उदय और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने का बहुत महत्व है। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर कर चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो चीजें मैं यहां रिपीट नहीं करना चाहता, ताकि नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैंने वो चीजें यहां रिपीट नहीं करी हैं। छठ पूजा का क्या सिग्निफिकेंस है, हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं, मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।